हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले आईसोनिक्स वायरलेस स्पीकर का। सो फ्रेंड्स, इसका प्राइस एंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एजी में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक आईसोनिक्स कंपनी का वायरलेस स्पीकर है जिसमें टॉर्च भी दिया गया है। प्लस इसका अगर मॉडल के बारे में बात करें तो हमें मॉडल इसका XBS2011FM देखने को मिल जाएगा, विद टॉर्च लाइट के साथ हमें देखने को मिलेगा। प्लस इस जगह आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर में ही हाईलाइट किया गया है वायरलेस स्पीकर। प्लस बॉक्स में कुछ और भी चीज़ जो हाईलाइट किया गया जो इस स्पीकर में है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हमें देखने को मिल जाएगा रेडियो, प्लस TF कार्ड, उसके बगल में USB, प्लस वायरलेस, प्लस उसके बगल में ऑक्स केबल, उसके बगल TWS, ये भी हमें देखने को मिल जाएगा इसमें। प्लस अगर बॉक्स के इस साइड में बात करें तो हमें 1, 2, 3, 4 कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, ब्लैक, रेड एंड हल्का ब्लैक एंड ब्लू में। प्लस इस जगह को डिटेल दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। प्लस अगर हम इस साइड में अगर बात करें तो इस साइड में हमें इसका ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का नहीं मिलेगा। प्लस इस साइड में बात करें तो कुछ नहीं है और इस साइड में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इस साइड में बॉक्स में ही जो बैक साइड में जो इस साइड में दिया गया इसका पूरा डिटेल्स एंड फंक्शन को बताया गया है। तो जैसे कि मैनुअल, एसेसरीज एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमें मैनुअल में हमें मिल जाएगा विद ब्लूटूथ फंक्शन, उसके नीचे ही हमें मिल जाएगा कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम USB डिस्क के साथ। प्लस उसके थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम TF कार्ड में। प्लस उसके नीचे अगर फोर्थ नंबर में बात करें तो कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियो डिवाइस टारगेट लाइन इन केबल के साथ। उसी के नीचे में अगर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें विथ चार्जेबल बैटरी देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर हम सिक्स नंबर पर बात करें तो विथ FM रेडियो फ्रिक्वेंसी 85.5 108 MHz में हमें देखने को मिलेगा। प्लस उसके नीचे में अगर हम एसेसरीज के बारे में बात करें तो 2-in-1 USB पावर सप्लाई केबल हमें देखने को मिलेगा एंड लाइन इन 3-point स्टीरो ऑडियो केबल देखने को मिलेगा। उसी के नीचे में आप देख सकते हो तो विथ शोल्डर स्ट्रैप के साथ। उसी के नीचे में अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें वर्किंग डिस्टेंस 10 मीटर्स के आसपास देखने को मिलेगा। प्लस SNR देखने को हमें 95 dB में देखने को मिलेगा। प्लस बैटरी के बारे में बात करें तो 3.7 वोल्ट 1200 mAh का हमें इसमें बैटरी देखने को मिलेगा। प्लस नॉर्मल वॉल्यूम प्लेइंग टाइम बात करें तो 2 आवर्स के आसपास हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। प्लस स्पीकर ड्राइव के बारे में बात करें तो 45 mm प्लस 2, उसके नीचे में अगर पावर के बारे में बात करें तो 4x5V 2, ये हो गया। प्लस इजे देख सकते हैं मेड इन PRC, इजे देख सकते हैं इंडिजिया कुछ बारकोड दिया गया है। प्लस बॉक्स में और कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका MRP बॉक्स में नहीं लिखा गया है। तो चलिए इसका पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका MRP एंड डिटेल में प्राइस बता दूंगा। सो चलिए इसे रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह। तो कुछ इस तरीके का हमारा बॉक्स में मिलता है, कुछ इस तरीके का वाइट कलर का बॉक्स हमें देखने को इसके अंदर मिलेगा हमारा। तो स्पीकर हमारा छोटा सा है लेकिन इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छा से किया गया है। सो हमें एक ये मिल जाएगा जिसे आप अपने कंधे पर भी टांग सकते हैं, उसके लिए देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, और इसका जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो चलिए इसे भी रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में, और इसमें हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, 2-3 चीज़ और देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमें एक USB केबल टाइप मिल जाएगा ये, जिसे आप अपने मोबाइल के जो चार्जर एडेप्टर होता है उससे कनेक्ट करके आप अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। प्लस उसके नीचे हमें एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा छोटा बेसिक सा। सो चलिए इस दोनों को चीज़ को रखते हैं साइड में। लेकिन इस सब स्पीकर में हमें वारंटी देखने को नहीं मिलेगा किसी प्रकार का वारंटी गारंटी। तो चलिए इसे भी रखते हैं इस जगह फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये 3-4 चीज़ देख। प्लस का जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छा है। सो चलिए इसे निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है उसे आप देखें पहले कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में जो रेड कलर में है। प्लस इसका जो स्पीकर में ही ब्रांडिंग किया गया है आईसोनिक्स R, जो इसका नाम है जिस कंपनी का है उसका। प्लस इस जगह देख सकते हैं
आगे एंड पीछे का बटन मिल जाएगा, प्लस जब पॉज बटन मिल जाएगा, इस जगह से ऑन ऑफ बटन हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर इस जगह की बात करें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी कार्ड डालने को मिल जाएगा, प्लस नीचे में USB के डालने को मिल जाएगा। उसके बगल में आप देख सकते हैं 4.5 वोल्ट का देखने मिल जाएगा, प्लस उसके बगल में हमें ऑक्स केबल देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इस स्पीकर में मेन चीज़ जो हाईलाइट किया गया है वो है ये टॉर्च। अगर आप गांव क्षेत्र में कहीं पर ही अगर रहते हैं किसी गांव में, तो ये स्पीकर आपके लिए काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसमें गाना भी सुन सकते हैं और इसे कम्फर्टेबली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। प्लस इसमें जो टॉर्च दिया है उसे आप मैं अभी जला करके दिखाऊंगा, उसका जो लाइट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप गाना सुनते सुनते भी अपने गाँव या कहीं पर घूम रहे हैं या फिर टाउन में भी अगर किसी अंधेरे जगह अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी ये काम करेगा। इसका जो टॉर्च है वो काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स चलिए इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन करके हम इस जगह से देखते हैं, उसके बाद इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। देख सकते हैं इसका स्पीकर दो इधर दिया गया है, देख सकते हैं QC Pass 0.5 इस जगह दिया गया है, QC Pass 5 0.5 ये हो गया। सो अगर आपको टॉर्च चलाना है तो इस जगह आप देख सकते हैं एक बटन इस तरीके का जो दिया गया है उसे आपको प्रेस करना होगा तो आपका टॉर्च जो है वो जल गया। प्लस इसका जो देख सकते हैं पावर वो काफ़ी अच्छा है। अभी मेरे इस रूम में रिंग लाइट लगा हुआ है उसके चलते आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस जगह से अगर आप देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा पड़ जाएगा कि इसका जो लाइट का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इस जगह देख सकते हैं जिसका लाइट का जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है, मतलब दोनों काम आपका हो जाएगा। आप गाना अगर सुनना चाहते हैं तो गाना भी सुन सकते हैं और प्लस इसमें आप टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, टॉर्च टाइप भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी टॉर्च अगर आप लेने जाते हैं, अगर अच्छे कंपनी का टॉर्च लेते हैं तो 400-500 रुपये के बीच में वो टॉर्च आता है, तो उससे तो ये अच्छा ही है। तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं पहले हम, तो ये हमारा टॉर्च हो गया बंद। सो फ्रेंड चलिए इसे आप ब्लूटूथ से डायरेक्टली हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। फ्रेंड्स हमने अपना वायरलेस स्पीकर है उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट, मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। सो फ्रेंड चलिए इसके पहले साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद उसके आगे हम बात करेंगे इसका प्राइस एंड डिटेल्स के बारे में। जैसे आपका जो वॉल्यूम बटन है फ्रेंड्स वो भी आपको इस जगह से ही काम करना होगा, इस जगह से माइनस बटन एंड इस जगह से प्लस बटन, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे कंटिन्यूअस आपको प्रेस करके रखना होगा। अगर आपको इसका वॉल्यूम घटाना है तो आपको इस जगह से कंटिन्यूअस प्रेस करना होगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन आपको अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो इस जगह से कंटिन्यूअस मतलब लगातार आपको इसको चीप करके ही रहना रखना होगा। प्लस अगर आपको रोकना है गाना तो इस जगह से अगर बीच वाला बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका गाना रुक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसका साउंड क्वालिटी के बारे में पता चल गया होगा, मुझे तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लस अगर प्रोडक्ट के अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आया। प्लस इसमें जो हाईलाइट मेन चीज़ जो इसका दिया गया है टॉर्च, जो टॉर्च काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस स्पीकर को इसलिए। प्लस क्वालिटी तो इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, आई होप अगर आप परचेस इसे कहीं से करते हैं तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगा ये। और मैं अपना ओवरऑल रिव्यू दूँ तो ये मतलब डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है, प्लस काफ़ी छोटा सा है इसलिए इसे किसी जगह कैरी करना भी काफ़ी आसान होगा आपके लिए। सो अगर हम बात करें इसका प्राइस के बारे में, सो इसका जो प्राइस है वो करीबन आपको 600-700 रुपये के बीच में इसका प्राइस पड़ेगा, जो 600-700 रुपये में अगर आप कहीं से भी इसे परचेस करते हैं तो 600-700 रुपया आपको पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये 600-700 रुपये में तो काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, आई होप आप इसे कहीं से परचेस करिएगा तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगा।
तो मैं अपना ओवरऑल रिव्यू दूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जा करके फॉलो कर लें। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। Nah.